तो अगर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें, लिंक है डिस्क्रिप्शन पर। हेलो गाइस, वेलकम बैक चैनल, आपका स्वागत है चैनल में। सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे हो। तो गाइस अभी आप प्रीव्यू में देख चुके हैं, ये मतलब ये वीडियो बहुत इजीली आप बना सकते हो काइंड मास्टर से, और ये इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे आ रहा है, बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो अगर आपको भी बनाना है कुछ इसी तरह वीडियो तो वीडियो के साथ बने रहना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह आप काइंड मास्टर से ये ऑडियो पे वीडियो बना सकते हैं जो कि बीट के साथ पूरा सेम टू सेम मैच किया है और देखने में भी काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। तो चलिए गाइज, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस चैनल पर ट्यूटोरियल हर दिन देखने को मिलते ही रहता है। और अगर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किए तो प्लीज़ टेलीग्राम पर ज्वाइन करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। तो चलिए आज का जो वीडियो एडिटिंग है इसे स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहला आप सभी को काइंड मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अब यहाँ पर गाइस आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो इसी तरह आपको काइंड मास्टर डिस्क्रिप्शन पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपको दिल है काइंड मास्टर को डाउनलोड करना तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पे आपको वाटरमार्क देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू पेज आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर 9:16 रेशियो पे क्लिक करके नेक्स्ट का ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर उसके बाद आपको सेटिंग का ऑप्शन पर क्लिक करके एडिटिंग का ऑप्शन पर, और यहाँ पर फिल स्क्रीन पर क्लिक करना है। अब गाइस आपको सबसे पहले एक वीडियो को शूट कर लेना है, किस तरह करना है आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप इस तरह आपका आप रन करके या वॉक करके आ सकते हैं चलकर, हाँ, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह भी आप कर सकते हैं, वरना आप क्या करें, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ ये वीडियो आपको मैं दिखा देता हूँ ये वाला। तो जैसे कि आप इस तरह भी कर सकते हैं, ओके, इस तरह आप चल के आके ऐसा आपको वीडियो शूट करना है। अगर आपके पास वीडियो शूट नहीं करना चाहते तो आप अपना फ़ोटो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो यहाँ पर मैं वीडियो यूज़ कर रहा हूँ आपको यहाँ पर फ़ोटो यूज़ करना है, ओके। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह, तो यहाँ पर मैं उसके इधर कट कर देता हूँ। अब गाइस आपको यहाँ पर स्टार्टिंग टाइम तक आना है, लेयर पर क्लिक करके मीडिया का ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर मैं आपको कहा फ़ोटो भी आप यूज़ कर सकते हैं, और आपको एक ऑडियो वीडियो मिलेगा, उस वीडियो को इम्पोर्ट करना है। उस वीडियो को इंपोर्ट करने के बाद आप सभी को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक करना है, उसका ऑडियो आपका नीचे की तरफ आ जाता है, देन इस वीडियो को डिलीट कर देना है जिससे ऑडियो एक्सट्रैक्ट किए। अब यहाँ पर गाइज आपको मैं दिखा देता हूँ, आपको यहाँ पर 3.50 पर चले आ जाना है उस टाइम पर, ओके। और वीडियो पर या फोटो पर टैप करना है, कट का ऑप्शन पर जाना है, ट्रिम टू राइट, आप देख सकते हैं इस तरह, ओके, कुछ इस तरह करना है, कुछ इस टाइम पर वीडियो कर देना है। आप यहाँ पर फोटो भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो बीट देख रहे हो ये वाला 1.175 सेकंड पर, तो आपको यहाँ पर चले आ जाना है, हाँ, 1.120 सेकंड पर, और लेयर पे क्लिक करके मीडिया का ऑप्शन पर क्लिक करना है, और एक वाइट कलर का फ़ोटो को इम्पोर्ट करना है, देन इसका इसे आपको इस तरह बड़ा कर लेना है, और उसके बाद आपको इसका ड्यूरेशन को आप देख सकते हैं कितना रखना है, 1.231 सेकंड तक, आप देख सकते हैं जस्ट इतना सा, ओके। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर चले आ जाना है 1.9, उसके बाद लेयर पे क्लिक करके मीडिया का ऑप्शन पर क्लिक करें, एक ब्लैक कलर का आप देख सकते हैं इसे उतार डाउनलोड मतलब यहाँ पर इंपोर्ट करना है, देन इस ब्लैक कलर को आपको फुल करना है, ओवरऑल एनिमेशन पर जाना है, फ्लिकर करना है, और इसका ड्यूरेशन को आपको जितना दूर आपका ये वीडियो है उसका एंड होने से थोड़ा सा पहले तक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका इस तरह ब्लिंग आएगा। अब यहाँ पर आपका इस टाइम से जहाँ पर आप इसके बाद मीडिया पे क्लिक करना है, और जिस इमेज पे वीडियो बनाना चाहते हैं आप सिंपली उस इमेजेस सबको यहाँ पर इम्पोर्ट कर लें। तो यहाँ पर मैं उस इमेजेस सबको इम्पोर्ट कर लेता हूँ, 4 इमेज आपको इम्पोर्ट करना है। वेल गाइज यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मैं 4 इमेज या 4 इमेज को इम्पोर्ट कर चुका हूँ। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर बिट देखने को मिलेगा, आपको बिट का टाइम भी मैं आपको कह देता हूँ, 4.885 पर आपको बिट देखने को मिलता है, तो उस टाइम पर चले आ जाना है। टाइमलाइन पर आने के बाद आपको कट का ऑप्शन पर जाना है, फोटो पे क्लिक करके और ट्रिम टू राइट कर देना है। अब इस टाइम से उसके बाद आपको कहाँ पर बिट आता है आप देख सकते हैं यहाँ पर 6.380 सेकंड पर, तो इमेज पर टैप करना है, कट का ऑप्शन पर जाना है, ट्रिम टू राइट। अब यहाँ पर गाइस आपको फिर से बिट आता है आपका यहाँ पर 7.883, तो फोटो पे टैप करना है, देन ले कट का ऑप्शन पर जाना है, ट्रिम टू राइट,
आपको कट करना है। अब इस सॉन्ग पे टैप करना है, सॉन्ग का एंड तक चले आ जाना है, फोटो पे टैप करना है, कट का ऑप्शन पर जाना है, ट्रिम टू राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक फोटो, दो फोटो, तीन और चार। तो फोटो सबको इंपोर्ट करने के बाद आपको सबसे पहला जो आपका फोटो है, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आप फोटो भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर आप फोटो भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं वीडियो यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको कहूँगा जो आप कोशिश करें एक वीडियो यहाँ पर इंपोर्ट करने का, जैसे कि आपका वीडियो का लुक बहुत बेहतरीन लगे। हाँ, जैसे कि वीडियो का लुक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद आपका जो इमेजेस है उस इमेज पर क्लिक करें। चार इमेजेस के अंदर सबसे पहला इमेज पर क्लिक, ग्राफिक्स पर आपको जाना है। और यहाँ पर आपको कहीं पर भी कॉल मी डीजे इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन पे कॉल मी डीजे इफेक्ट को आपको वीडियो देखना है। वो वीडियो देखने के बाद आप इजीली अपने काइनमास्टर पर कॉल मी डीजे इफेक्ट लेके आ सकते हो। उसके बाद आप कॉल मी डीजे इफेक्ट लेके आ जाइए और यहाँ पर तीन नंबर को चूज़ करना है। फिर नेक्स्ट फोटो पे टैप करना है, क्लिप ग्राफिक्स पे जाना है, कॉल मी डीजे का तीन नंबर। फिर से नेक्स्ट फोटो पे टैप करना है, क्लिप ग्राफिक्स पे जाना है, कॉल मी डीजे का तीन नंबर। इसी तरह आपको हर फोटो पे कॉल मी डीजे का तीन नंबर को लगा देना है। इस तरह लगाने के बाद आप देख सकते हैं अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका जो वीडियो है वो बनके तैयार हो चुका है। अब मैं आपको थोड़ा से प्ले करके दिखा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा ये वीडियो है, इस वीडियो का ऑडियो को मैं म्यूट कर चुका हूँ। आप भी अपना वीडियो का ऑडियो को म्यूट कर लें और यहाँ पर कोशिश करें आपका जो यहाँ पर सॉलिड कलर 1 है तो आप यहाँ पर डुप्लीकेट क्रिएट कर लें, और डुप्लीकेट क्रिएट करने के बाद 2 कर लीजिए इस तरह, 1 और 2, 2 सॉलिड कलर। तो यहाँ पर अब मैं आपको दिखा देता हूँ।